गाइज वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ यू गाइज, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग इमोशन थाट्स आपके लिए क्या हैं। सो गाइज, रीडिंग शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो देखेंगे कि आपके पार्टनर अभी क्या कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ वंड्स, परेशान है ये अभी, हैप्पी नहीं है, सैड है, जैसे कि किसी से गलती हुई और वो अपनी गलती को सुधारने के लिए वापस से आना चाहता है। ये वो एनर्जी है, ये वापस से कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, बिकॉज इनको समझ लग गई है कि इनका डिसीज़न गलत है, इन्होंने गलत सोचा और अब ये वापस से आना चाहते हैं। और ये बहुत सैड हैं, अभी हैप्पी नहीं है। ओके, ये मुझे दिखता है, उदास है, परेशान है, खुद से नाराज़ है, वो वाली एनर्जी है। तो जिस तरीके से गए थे वापस लौट करके आएंगे ये उसी तरीके से, और बट फर्क इतना ही होगा कि गए इसमें थे कि नहीं मैं सही हूँ, और आएंगे इसमें कि नहीं मैं गलत हूँ। सी अगेन, एक और इमोशनल एनर्जी, नाइन ऑफ सोर्ड्स। चैन से सो भी नहीं पा रहे, इनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपकी, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, चैन से सो नहीं पा रहे हैं ये रात में, रात भर ऐसे ही, मतलब कई बार ही तो ऐसे ही रातें निकल जाती है कि नींद ही नहीं आती, सुबह जा कर के आती है, कभी कभी बहुत लेट नींद आती है, बड़ी मुश्किल से नींद आती है, आती है तो सपने आ जाते हैं कुछ इस तरीके के, जिसके बाद में या तो डरावने सपने होते हैं, आपसे रिलेटेड सपने होते हैं, कि उठते हैं ये एकदम से और फिर यू नो नींद ही नहीं आती है। एंजाइटी है, ओवरथिंकिंग है, यहाँ पर ये मुझे दिखता है, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और किसी चीज़ का इनको पछतावा भी हो रहा है। ओके, ये क्लियर करना चाहते हैं चीज़ों को। आप दोनों के बीच में अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, किसी तरीके का मनमुटाव चल रहा है, तो ये उसको क्लियर करना चाहते हैं। थ्री ऑफ कप्स, थर्ड पार्टी को लेकर के, तीसरे पर्सन को लेकर के अगर आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो ये वो चीज़ें आपको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, कि और अगर इन्होंने चूज़ किया किसी और को भी, तो भी ये जो है एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ इनसे गलती हुई है, इन्होंने गलत किया है, क्योंकि इनको अब समझ लग रही है कि इन्होंने काफ़ी गलत डिसीज़न लिया थर्ड पार्टी में जा कर के, या थर्ड पार्टी को इस रिलेशनशिप में लेकर बीच में लाने में, ला कर के इन्होंने गलती की है। ठीक है, ये क्योंकि एक महसूस कर रहे हैं रिग्रेट, अपनी गलती को महसूस कर रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलती को, और परेशान है ये। और अगर कोई तीसरा पर्सन था भी ना आप दोनों के बीच में, तो ये उस तीसरे पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं, ये वहाँ नहीं रहना चाहते, बिकॉज इनके लिए वो सिचुएशन, इनको ऐसा लग रहा है कि मेरी मेंटल पीस नहीं है यहाँ पर, मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी रहता हूँ इधर, तो वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। ओके, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ, उनको मेंटली स्ट्रेस है थर्ड पार्टी के साथ। ऑलराइट, और देखते हैं और क्या एनर्जीज आती है। द स्टार, टू ऑफ वंड्स,
इन अपने काम पर भी इनका मन नहीं लग रहा, जो भी ये काम करते हैं, चाहे स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी कुछ ये करते हैं, इनका मन नहीं लग रहा अपने काम के ऊपर। बार बार थॉट आपकी तरफ जाता है और ये बहुत ज़्यादा विश मांगते हैं आपके लिए कि चीज़ें ठीक हो जाएं, और ये चीज़ें ठीक करना भी चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये मन नहीं लगा पा रहे अपनी लाइफ पर, ये मन नहीं लगा पा रहे अपने काम पर। बार 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 आप ही के बारे में सोचना, इस रिलेशनशिप के बारे में सोचना, और फिर भगवान से प्रार्थना करना इस कनेक्शन के अच्छे होने के लिए, बस वही सारी चीज़ें चल रही हैं इनके दिमाग में। ओके, थ्री ऑफ पैंटिकल्स एंड टेन ऑफ सॉट्स। पुरानी यादें आती हैं इनको, पुरानी चीज़ें याद आती हैं, वो आपके साथ जो इन्होंने वक्त बिताया, हो सकता है आप दोनों ने साथ में मिलकर के काम किया हो, वो वक्त जो आपके साथ, जो खट्टे मीठे पल आपके रहे हैं, जो छोटी मोटी छेड़खानियाँ रहती थी, छोटे मोटे झगड़े रहते थे, वो हैप्पीनेस, वो इन्जॉय करते थे साथ में, जो भी वो खूबसूरत पल थे, उनको ये बहुत याद करते हैं। वो इनको कहीं ना कहीं याद आते हैं, क्योंकि वो जो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड किया ना, ये बिल्कुल वैसा टाइम था जैसा इन्होंने अपनी लाइफ में सोचा था कि मेरा जब पार्टनर होगा ना, तो मैं इस तरीके की लाइफ जीऊँगा या जीऊँगी। तो वो पल इन्होंने आपके साथ जिए हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए वो बहुत प्रीशियस हैं, और उनको भूल पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। तो वो पलों को ये बहुत याद करते हैं, बहुत अकेला ये महसूस कर रहे हैं अभी अगर मैं देखूँ तो। और क्योंकि यहाँ पर टेन ऑफ सॉट्स की एनर्जी है, और अगर इस एनर्जी को देखते हुए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि आपकी तो इनसे बात होने वाली है। ठीक है, ये जो एनर्जी है इसको देख करके, यस, टू ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर, यही मैं बोलूँगी इस एनर्जी को देख करके कि आपकी तो बात इनसे होने ही वाली है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, सी, वही हैप्पीनेस लौट करके आने वाली है आपकी लाइफ में, रिकन्सिलेशन होने वाला है भाई बहुत जल्दी ही। ठीक है, और बहुत प्यार करते हैं आपके पार्टनर आपसे, और मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं आपसे, एंड खुद से थोड़ी सी नाराज़गी है इनको, क्योंकि इन्होंने इतना खूबसूरत रिश्ता छोड़ा, वो भी किसी और के लिए, तो इस चीज़ को लेकर के खुद से नाराज़ है कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की और कितना गलत डिसीज़न लिया उस चीज़ को लेकर के। तो भाई ये बहुत जल्दी आपकी इनसे बात हो जाएगी, मुझे तो ज़्यादा लंबा समय नहीं दिख रहा, मतलब टाइम नहीं दिख रहा, बहुत जल्दी बात होगी आपकी इनके साथ। कार्ड्स बहुत अच्छे, एनर्जी बहुत अच्छी, ये बेचैन है, परेशान है, तो ये बहुत जल्दी स्टेप लेने वाले हैं आपकी तरफ, और बहुत मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा, ये आपका साथ चाहते हैं हमेशा के लिए, बिकॉज़ उनको समझ आ गया है कि आप ही इनके सूटेबल पार्टनर हो, कोई और आपकी जगह नहीं ले सकता, ये चीज़ इनको समझ आ गई है। साइन बताऊँ यहाँ पर तो मुझे दिखता है एक्वेरियस, लियो एंड जेमिनी, लिब्रा, तो ये साइन मुझे यहाँ पर नज़र आते हैं। हिंदी में मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, कुंभ राशि, सिंह राशि, मिथुन तुला, मिथुन और तुला राशि। ठीक है, ये साइन मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिखते हैं, और अगर मैं डेट की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिखते हैं नंबर 17, नंबर 19, नंबर 10, नंबर 2। ओके, तो ये नंबर्स मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं, और जिनको एंजल नंबर 10 10 बहुत ज़्यादा दिखता है, तो उनके लिए ये रीडिंग है भाई, ये मुझे दिख रहा है उनके लिए ये रीडिंग, इस रीडिंग में उनके लिए मैसेज है। ओके, अब मैं अगर यहाँ पर मंथ की बात करूँ तो मुझे स्ट्रांग मंथ यहाँ पर दिखते हैं फेब्रवरी, अक्टूबर, अगस्त, तो ये मंथ्स मुझे स्ट्रांगली दिखते हैं, ज़्यादा तो नहीं, बस यही मंथ है जो मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ऑलराइट, अब मैं देखूंगी आपकी एनर्जीज कि आपकी क्या एनर्जीज हैं।
किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये शख्स जो भी है ना, ये मायने रखता है आपकी ज़िंदगी, मतलब इसकी है इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा। ये जैसे भी है ना, आपको पसंद है, आप बस इनको चाहते हो कि मेरी ज़िंदगी में रहे। बिकॉज़ जब भी आपकी ज़िंदगी में रहते ना, आप बहुत हैप्पी रहते हो। पता नहीं अब ये क्यों होता है, मतलब आपको, आपके ही दिमाग में है ये, आप ही को नहीं पता कि ऐसा क्यों है। बट है ऐसा कि जब भी ये शख्स बात हो जाती है ना, इससे तो आपका दिन बन जाता है। आप बहुत हैप्पी हैप्पी सा फील करते हो इनके साथ। हो सकता है ये शख्स की बातें बहुत अलग तरीके की होती हैं, तो ये बातें बातें करने में बहुत माहिर है। जब ये बात करने पे आते हो तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो, और आप सारे दिन बस उन बातों के बारे में सोचते रहते हो और मुस्कुराते रहते हो। तो मुझे ये दिखता है कि मतलब आपका बहुत मन करता है इनसे बातें करने का, इनके साथ टाइम स्पेंड करने का, इनको देखते रहने का। बिकॉज़ उनकी कुछ पर्सनालिटी ऐसी है, वो कुछ ऐसी तरीके के अट्रैक्टिव हैं कि आप अट्रैक्ट होते हो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा। और ये है कि आप बहुत खुश रहते हो, जब वो होते हैं तो बहुत खुश होते हो, नहीं होते तो मतलब ज़्यादा खुशी नहीं होती, उदासी सी रहती है आपके चेहरे पर। तो ये कहूँगी कि हाँ चलो ठीक है, वो होता है कि हम किसी से प्यार करते हैं तो उसको देख करके हमें खुशी तो होती है, उससे उसके साथ रह करके तो खुशी होती है। बट थोड़ा सा काम हमें खुद के ऊपर करना चाहिए कि जब वो ना हो ना, तब भी हम खुश रह सकें। क्योंकि किसी के रहने से हम खुश हैं, ना रहने से दुखी हैं, तो ये है कि हम उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हैं, और वो चीज़ ठीक नहीं है। किसी के ऊपर डिपेंड होना ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, उनके साथ मन करता है वो चीज़ अलग है, लेकिन जब वो साथ नहीं है तब भी कोशिश करो कि कुछ ऐसा हो आपकी लाइफ में जिसको लेकर के आप खुश हो, क्योंकि वो एनर्जी ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, ऐसे तो हम डिपेंड हो जाएंगे अपनी खुशियों को लेकर के दूसरों के ऊपर, तो वो ठीक नहीं है। द चैरियट एंड यहाँ पर है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। वेट कर रहे हो आप इनका कि कब वापस आपकी लाइफ में लौट करके आएंगे। एंड हो सकता है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो कास्ट, रिलीजन, एज का, तो उसकी भी आप इस बारी नहीं सोच रहे हो, मतलब नहीं सोच रहे हो उसके बारे में कि आपका ये कि उसको देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। बट एक बार ये आए तो सही, मतलब आपको ये है कि ये आए मुझसे बात करें, आप ये चाहते हो। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स। कब वेट करते करते भी आप कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाते हो कि आपको ऐसा लगने लगता है, होप्स खोने लगती हैं, होप्स टूटने लगती है कि नहीं भाई अब नहीं हो पाएगा, इतना हो गया है, आना होता तो आ जाता, अब नहीं आएगा। तो ये करके फिर आप सैड हो जाते हो, फिर आपका कभी मन करता है मैं जाऊँ, मैं करूँ अपनी तरफ से बात, तो फिर आपको पुरानी बातें याद आ जाती हैं कि नहीं मैंने पहले भी किया थी कोशिश, लेकिन उसने रिप्लाई नहीं दिया, उसने बात नहीं की, पता नहीं अब करेगा कि नहीं करेगा। तो कॉल मैसेज करने में भी आपको डर लगता है कि पता नहीं वहाँ से कैसा रिएक्शन मिलेगा। तो मतलब आपका ये है कि आप परेशान हो, आपको बहुत मन करता है उनसे बात करने का, और बहुत ज़्यादा आप बात करना भी चाहते हो उनसे, बट समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है और आगे होगा क्या, मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा, परेशान हो। आपका मन करता है बात करने का, आप खुद भी बात करने जाने के लिए भी तैयार हो, लेकिन आपका मन जो है फिर पास्ट में चला जाता है कि मैंने बहुत कोशिश की थी, उसने उस वक्त बात नहीं की, तो अब क्या करेगा या अब क्या करेगी करके फिर आप रुक जाते हो। तो थोड़े से परेशान हो, आई नो कि आप उनका वक्त चाहते हो, आपके कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनसे, आपका बस यही है कि वो मुझे वक्त दे, थोड़ा सा मुझसे बात कर ले, वही बहुत है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे दे, वही बहुत है मेरे लिए। आप उनसे बात करके भी खुश हो कि एक बार बात हो जाए तो मैं उसमें भी खुश हूँ। सो यहाँ पर वो है, बट वो बात करे तब ना, मतलब वो बहुत अजीब सा बिहेव करते हैं तो आपको समझ नहीं लगती कि क्या हो रहा है। पर डोंट वरी, वो भी आपको बहुत मिस करते हैं, और बहुत जल्दी आपकी उनसे बात हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बात होने में कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा एंड ऑल। नहीं, मैं यहाँ पर तीन कार्ड्स लेती हूँ, आपको ये कार्ड चूज़ करना, मैं देखती हूँ कि आपकी इनसे कब तक बात हो सकती है। ठीक है,
कार्ड नंबर वन, कार्ड नंबर टू, कोई एक कार्ड चूज कर लेना आप, एंड कार्ड नंबर थ्री। ओके, देखेंगे हम यहाँ से कि आपकी कब तक बात हो जाएगी। और इसी के साथ मैं आपके लिए आज मूनोलॉजी से जो है गाइडेंस लूँगी। तो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, आप कोई एक कार्ड चूज़ कर लो, तब तक आपका दिल जो कहे ना आप उस कार्ड को चूज़ कर लो। अब एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो उनके लिए, आप बहुत प्यार करते हो, कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, अनकंडीशनल लव है आपकी तरफ से, बट फिर भी थोड़ा कोशिश करो कि उनके बिना भी आप हैप्पी रह सको। आदत मत डालो उनकी, ठीक है, यही मैं आपको बोलूँगी। पाइल नंबर वन के लिए कार्ड दीजिए यूनिवर्स, पाइल नंबर टू, पाइल नंबर थ्री, चलिए मैं देखती हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और आपकी कब तक बात हो सकती है। पाइल नंबर वन आपका देखते हैं। ओके, यहाँ पर है फोर ऑफ सोल्स, आगे आने वाले 4 से 5 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो जाएगी, ये मुझे दिख रहा है, और ये आप खुद मैनिफेस्ट करोगे उनको। मैनिफेस्टेशन जो लोग कर रहे हैं चार से, मतलब जो कर रहे हैं मैनिफेस्ट, जिन्होंने पाइल नंबर वन चूज़ किए, जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, 4 से 5 दिन के अंदर आपका रिकन्सिलेशन हो जाएगा। और जो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, मैं कहूँगी कि मैनिफेस्ट करो, क्योंकि मैनिफेस्ट करने से ही होगा, ठीक है। और गाइडेंस के लिए है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं इस कार्ड को हमेशा जब भी देखती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छा होने वाला है, कुछ ब्यूटीफुल होने वाला है, ठीक है। तो कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में। मैं हमेशा बस इस कार्ड को उसी तरीके से देखती हूँ कि यस, ये जो कार्ड है कुछ ना कुछ सुंदर सा प्यारा सा लेकर के आने वाला है लाइफ में। तो आप रेडी रहो, आप बहुत उदास रहते हो, परेशान रहते हो, मन खुश नहीं है, तो कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका मन खुश हो जाएगा। तो कहते ना कि जब दुख आते हैं तो भी यू नो भर भर के आते हैं, और जब खुशियां आती हैं तो भी भर भर के आती है। तब आपके दुख के टाइम ख़त्म होने वाले हैं और खुशियां जो हैं वो भर भर के आने वाली हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ताकि आप ये सारी ब्यूटीफुल चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको, रिसीव कर सको। बिकॉज कोई ब्लेसिंग हमें मिल रही होती है ना, तो उसको हम, हमारा दिल खुश होना चाहिए, तभी हम उसको रिसीव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको रिसीव ही नहीं कर सकते। वो हो ना हो फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, पॉजिटिव सोचना है, ताकि ये जो एनर्जी आपके लिए बन रही है तो ये पॉजिटिविटी को ही लेकर के आए, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके मैनिफेस्टेशंस पर डिपेंड करते हैं, आप क्या सोचते हो उस पर डिपेंड करते हैं। गाइडेंस में यही दूंगी कि अपने थॉट्स का ध्यान रखें, नेगेटिव थॉट ना आने दें, अगर आए तो उसको पॉजिटिव में बदल दें। ओके, इस बात का आपने ध्यान रखना है पाइल नंबर वन। नाउ पाइल नंबर टू आपका देखते हैं, द वर्ल्ड। ओके, पाइल नंबर टू थोड़ा सा देखो, मुझे दिख रहा है कि 3 दिन के अंदर भी आपका रिकन्सिलेशन हो सकता है, मतलब 3 दिन में आपकी बात हो सकती है, अदरवाइज़ 21 से 22 दिन में आपकी बात हो जाएगी। कोई ना कोई साइकिल एंड होना बाकी है आप दोनों के बीच में, किसी साइकिल में आप दोनों चल रहे हो, और वो साइकिल एंड होने में कुछ लोगों का 3 दिन के अंदर हो जाएगा, कुछ लोगों का 21 से 22 दिन के अंदर होगा। पेशेंस रखना थोड़ा सा, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है और चिंतन करने के लिए कहा जाता है, कहा जा रहा है, मतलब चीज़ों पर सोचने के लिए कहा जा रहा है, टेंशन लेने के लिए नहीं कहा जा रहा, सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। जब हम एनालाइज करते हैं ना कोई भी चीज़ को, तो हमें अपनी क्वेश्चंस के आंसर मिलना शुरू हो जाते हैं, हम हमारे क्वेश्चंस के आंसर बाहर ढूंढते हैं ना, बट अगर हम हमारा दिमाग को शांत रख करके चीज़ों को एनालाइज करें ना, तो हमारे आंसर हमें खुद ही मिल जाते हैं। तो वही चीज़ है, यहाँ पर मेडिटेट करने को कहा जा रहा है और कॉन्टम्पलेट करने को कहा जा रहा है। जो भी जिस भी चीज़ से रिलेटेड आपके सवाल मन में चलते हैं ना, मेडिटेशन करो, मेडिटेशन से क्या होगा, दिमाग शांत होगा। नहीं करना मेडिटेशन तो कुछ भी ऐसा करो जिससे आपका दिमाग शांत हो। जब दिमाग शांत हो जाए, जब आप शांत फील करो, देन आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में सोचो, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, नाउ पाइल नंबर थ्री अब आपका देखते हैं,
7 of Wands, 7 से 8 दिन के अंदर आपकी उनसे बात हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अगर आपके आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछोगे ना अपने पार्टनर, जैसे कि वो आए आपसे बात करें और आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए, आपको आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है? तो आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। ऐसा जैसे कि होगा ना कि भाई आए, उन्होंने मैसेज किया, आपने भी किया हाय हेलो किया, और फिर उसके बाद में बोला कि मेरे क्वेश्चनों का जवाब दो तभी मैं आगे बात करूंगी वरना नहीं करूंगी, ये चीज़ मत करना, क्योंकि वो इस मूड में नहीं आएंगे कि मैं क्वेश्चनों के आंसर्स दूँ, ठीक है? उनका ये होगा मतलब थोड़ा सा कि पहले मैं देखूं कि क्या चल रहा है, देन धीरे धीरे वो अपने आंसर्स देंगे, एकदम से नहीं देंगे। तो थोड़ा सा सब्र रखना क्वेश्चन पूछने में, एक एक करके क्वेश्चन करना, आराम से प्यार से बात करो, उसके बीच में कोई क्वेश्चन पूछ ले, फिर बात करो, फिर बीच में कोई क्वेश्चन पूछ ले, एकदम से क्वेश्चन नहीं करना, थोड़ा टाइम देना, ठीक है? तो हाँ, आपका 7 से 8 दिन के अंदर रिकन्सिलेशन उनके साथ हो जाएगा। गाइडेंस है सरेंडर टू द डिवाइन, ओके? डिवाइन को सरेंडर कर दो सिचुएशन, वही मैं कह रही हूँ कि एकदम से क्वेश्चन नहीं पूछना आपने, धीरे धीरे करके करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एंड सरेंडर, आपकी जो भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है ना, भगवान के हाथों में सौंप दो उसको, और भगवान से कह दो भगवान आपकी मर्जी है, अब जो करना है वो करो, जो देना है वो दो, अब आपकी ही मर्जी है, तो वो कर लेना। मतलब यहाँ पर ये है सरेंडर का मतलब, जिसे आप प्रे करते हो ना किसी चीज़ के लिए, तो प्रे इस तरीके से करना। एक तो होता है कि भगवान हमें ये चाहिए, एक होता है कि भगवान हमारी इच्छा है कि हमें ये चाहिए, बट अगर हमारे लिए अच्छी हो तो दे देना। तो इस तरीके से करना सीखो सरेंडर से। ये है कि जो भी हो रहा है ना लाइफ में, आपका ये है कि ये उस ऊपर वाले की मर्ज़ी से हो रहा है और आप उसको एक्सेप्ट करो, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है। बट आपका ये है कि कोई भी चीज़ आपके सामने आई, ठीक है, आपने ऊपर देखा भगवान की तरफ और ये अपने मन से थॉट वो कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, आप दे रहे हो तो मैं ले रही हूँ, तो अच्छा है ले लो, बुरा है तो भी ले लो, बट ये लेते टाइम ये ज़रूर कहना कि आप दे रहे हो ना भगवान तो मैं ले रही हूँ, बाकी आप देख लेना। तो हमेशा ये चीज़ रखो अपनी लाइफ में, ओके? तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी लाइफ में ना, एक तो ना कभी कोई गलत चीज़ नहीं आएगी, ठीक है? और दूसरा ये कि बहुत सारे चेंजेस आपको अपने अंदर देखने को मिलेंगे, एंड ये चीज़ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये आपको खुद करके देखना है। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको भगवान की प्रेजेंस महसूस होगी कि हाँ, जैसे कि वो आपके आसपास है, जैसे कि वो आपको देख रहे हैं, जैसे कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि वो आपसे कुछ कह रहे हैं, आपको ये महसूस होने लगेगा ऑटोमेटिकली। जब हम सरेंडर करते हैं ना तो थोड़ा टाइम लगता है, बट फिर हमें ये सारी चीज़ें फील होने लगती है। तो सरेंडर वाली एनर्जी सबसे खूबसूरत एनर्जी है, जहाँ पर हम फील कर पाएँ कि हाँ भगवान हमें देख रहे हैं, जहाँ हम फील कर पाएँ कि हाँ भगवान हमसे बात कर रहे हैं, जहाँ हम फील कर पाएँ कि हाँ भगवान हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे खूबसूरत एनर्जी हुई कि नहीं हुई, राइट? तो वो खूबसूरत एनर्जी आपको मिलती है जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब भगवान को हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि भगवान आप ही के हाथ में, अब हमारी ज़िंदगी अब जैसे चलानी है आप चलाओ, तो वो वाली एनर्जी रखना है, ओके? सो या, थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।